नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में, हम जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन चेन एंड चार्ट को किस तरीके से यूज़ किया जाता है, किस तरीके से हम दोनों को लिंक करते हैं और एक लेवल फाइंड आउट करते हैं। इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। यानी आपको क्या चीज़ समझ में आएगी कि आप कैसे ऑप्शन चेन को यूज़ कर सकते हो और कैसे आप चार्ट को यूज़ करके विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन आप लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं। इस चीज़ को आज मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में समझाने जा रहा हूँ। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। आगे आने वाले दिनों में ये वीडियो आपकी बहुत मदद कर सकता है इंडेक्स में ट्रेडिंग करने के लिए। तो बढ़ते हैं इस वीडियो को, जल्दी से आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑप्शन चेन और चार्ट को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में और किस तरीके से हम लेवल फाइंड आउट करते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर लेवल पे आके शॉर्ट करना चाहिए या फिर हम बाय करना चाहिए या फिर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करें। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आज हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, इस वीडियो के बाद आपके पास जो समझने के जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखिए ऑप्शन चेन और चार्ट में दोनों में बेसिकली एक डिफरेंस क्या होता है कि जो चार्ट पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अगर चार्ट पे अगर आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है, जैसे राइट नाउ अगर मैं ये बोलूं कि ये एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे वैल्यू हम जो ले सकते हैं वो 12,290 भी ले सकते हैं। हमारे लिए एक जोन आ जाता है जहाँ पे कि 12,270 भी एक रेजिस्टेंस है। तो चार्ट पे कोई भी वैल्यू एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन सकती है। जैसे सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट हमारे पास कहाँ है, इसका पर्टिकुलर आपका ये हमारे पास एक सपोर्ट बन के आ रहा है, हमारे पास ये एक सपोर्ट बन के आ रहा है, ठीक है। जहाँ से भी प्राइस एक्शन रिवर्सल देखने को मिला है वहाँ पे एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होता हुआ दिखाई देता है चार्ट पे। यानी ये कोई भी वैल्यू हो सकती है। कोई भी वैल्यू का मतलब ये है कि सिंपल था, ये आपके दो अगर 12,210 हो सकता है, 12,220 हो सकता है, 12,230 हो सकता है, मतलब कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट ऑप्शन चेन में क्या होता है, ऑप्शन चेन में हमारा जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट होता है इन द बेसिस ऑफ कॉल राइटिंग एंड पुट राइटिंग के हिसाब से होता है और उसकी एक सर्टेन वैल्यू होती है। सर्टेन वैल्यू का मतलब ये है कि ऑप्शन चेन में आपको क्लियरली दिखेगा कि हर लेवल एक फाइंड आउट किए गए हैं। जैसे कि 12,000 है, तो 12,000 पे अगर हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस है तो 12,000 रेजिस्टेंस और चार्ट के रेजिस्टेंस में वेरी कर सकता है। यानी कभी कभार क्या होता है, 12,000 पे हाईएस्ट कॉल राइटिंग होती है पर चार्ट हमें बता रहा होता है कि 12,050 एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इजीली चार्ट को यूज़ करके भी ऊपर जा सकता है, जिसमें हम ये सोचते हैं कि 12,000 निकल गया है, कॉल राइटर अब अपनी पोजिशन काटेंगे, बट अगले दिन मार्केट गिर जाता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा जो चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ऑप्शन चेन में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होगा वो बिल्कुल डेफिनेटली होगा। अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम राइट नाउ एक एग्जांपल लेके समझते हैं, आपको क्लियरली समझने है। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि हम कैसे लेवल फाइंड आउट कर सकते हैं और कब हमें काम करना चाहिए, कॉल और पुट लेके या फिर शॉर्ट करके या फिर कॉल बाय और सेल करके, इस चीज़ को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हम ऑप्शन चेन पे देखते हैं। ऑप्शन चेन हमेशा याद रखिए, ऑप्शन चेन जो यूज़ आती है, जो मेजर ऑप्शन चेन का यूज़ आता है वो आता है मार्केट का मोमेंटम पकड़ने के लिए और मार्केट में इम्पॉर्टेंट लेवल डिसाइड करने के लिए कि कहाँ पे जो राइटर्स हैं, मतलब जो बड़े ट्रेडर्स हैं, वो मार्केट में क्या माइंडसेट लेके काम कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने में काम आता है। तो जैसे कि राइट नाउ अगर मार्केट में अगर कॉल राइटर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, आपको हर लेवल पर कॉल राइटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब क्या है, मार्केट का जो माहौल है वो नेगेटिव माहौल है, मार्केट में गिरावट आ सकती है। सिंपल सी चीज़ है। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो 12,100 से अगर ऊपर की बात करते हैं, 12,200, 300, 400, इन पे क्या है, कॉल राइटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग, बट कॉल राइटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि 12,200 के ऊपर कॉल राइटिंग का मतलब सिंपल सा इतना है कि यहाँ पे आके मार्केट रेजिस्टेंस फेस करेगा। हाईएस्ट लेवल की जो कॉल राइटिंग होती है वो एक रेजिस्टेंस बनता है पर्टिकुलर सीरीज का। यानी अगर हाईएस्ट कॉल राइटिंग की बात करें वो हमारी कहाँ पे है, वो है आप देख सकते हो क्लियरली
ये देखो 12,200 पे, 12,200 पे आपकी हाईएस्ट कॉल राइटिंग है, जहाँ पे कि ऑलमोस्ट 24,95,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है। यानी इस पर्टिकुलर सीरीज में हमारे पास 12,200 एक रेजिस्टेंस है। ये क्लियरली आप दिमाग में बिठा लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए, 12,000 के ऊपर, 12,200 के ऊपर एक्सपायरी आने के चांसेस बहुत कम है। निकल सकता है निफ्टी, निकल सकता है, डेफिनेटली निकल सकता है, 20-30-40 पॉइंट ऊपर जाके काम काज भी कर सकता है, बट इसके ऊपर एक्सपायरी आने के चांसेस बहुत कम है। इस चीज को दिमाग में समझ के रखिए फिलहाल, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सपोर्ट। तो सपोर्ट पे हम देखें तो हाईएस्ट यहाँ पे जो पुट राइटिंग हो रखी है वो कहाँ पे हो रखी है, वो 14 लाख के यहाँ पे हो रखी है, जो कि 12,000 पे है। तो 12,000 एज पर द ऑप्शन चेन के हिसाब से क्या हो रहा है कि वहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएटेड है, क्योंकि 12,000 पे यहाँ पे 14 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। बट ये इतना बड़ा ओपन इंटरेस्ट नहीं है जो यहाँ पे टूट ना सके, बट फिर भी हम साइकोलॉजी ये समझते हैं जो राइटर है वो 12,000 पे तेजी कर रहा है। अब बेसिकली हो क्या रहा है, इस ओपन इंटरेस्ट का यूज क्या आ रहा है? देखिए ओपन इंटरेस्ट का यूज सिंपल सा चीज ये आ रही है कि एक पर्टिकुलर ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें बायर भी होता है और सेलर भी होता है। बिना सेलर के बायर ऑप्शन खरीद नहीं सकता, सिंपल सी चीज है। यानी सबसे पहले सेलर आता है, सेलर डिसाइड करता है कि ये पर्टिकुलर ऑप्शन को मेरे को सेल करना है या नहीं करना, कितने प्राइस पे करना है, ये मैटर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले सेलर आता है, देन बायर आता है। यानी 12,200 पे ये जो ओपन इंटरेस्ट है इसमें जो वैल्यू है वो सेलर की ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बायर से। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे सेलर ने डिसाइड किया है कि 12,200 की मैं कॉल को राइट करूँगा, यानी कॉल को सेल करूँगा। इसका मतलब क्या है कि वो मंदी कर रहा है, वो कॉल को बाय नहीं कर रहा है, वो सेल कर रहा है, यानी मंदी कर रहा है। यानी मार्केट जितना नीचे जाएगा उसको उतना अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा, बट उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा जितने पे उसने उस पर्टिकुलर कॉल को सेल किया है। वहीं इसके अगेंस्ट बायर जो होता है कि बायर के फेस में अगर मार्केट जाता है तो उसको कितना भी प्रॉफिट हो सकता है, डेट इज द अनलिमिटेड प्रॉफिट। तो इसीलिए यहाँ पे आपका जो मेजर जो रोल निभाते हैं वो राइटर ज्यादा निभाते हैं, राइटर मार्केट को कंट्रोल करते हैं। तो फिलहाल ऑप्शन चेन क्या बता रही है हमारे पास कि 12,000 सपोर्ट है, 12,200 रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये 12,000 और 12,200 क्या एक्चुअल में चार्ट पे रेजिस्टेंस है क्या नहीं है, तो इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं, ये हमारा 12,000 का लेवल है, ठीक है, और ये हमारा 12,200 का लेवल कहाँ गया, ये ठीक है, कट पॉइंट नीचे ऊपर हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। हमने ऑप्शन चेन के हिसाब से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगा लिए। अब होता क्या है कि ये जो हमने मार्क किए हैं ये हमारे ऑप्शन चेन के बेसिस पे हैं, बट एक्चुअल में जो चार्ट हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिखा रहा है वो क्या दिखा रहा है, वो दिखा रहा है कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस फेस होगा वो करीब करीब 12,200 से लेके ये जो जोन हमने बनाया, ये जो अपर जोन बनाया है यानी 12,250 से लेके 12,290, ये जो बेसिकली 30-40 पॉइंट का जो एरिया है ये हमारे पास रेजिस्टेंस वाला एरिया है। क्योंकि यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो क्लोजिंग आई है वो बहुत लिमिटेड आई है और यहाँ से रिवर्सल बहुत बार देखने को मिला है। यानी आप देख सकते हो यहाँ पे भी आया, मार्केट दोबारा से रिवर्सल दिखा दिया, यहाँ पे भी जब ये गया था तो यहाँ से रिवर्सल, दोबारा से गिरावट देखने को मिली थी। यानी बार बार यहाँ पे जो सप्लाई थी वो काफ़ी अच्छी आ रही थी, सिंपल सी चीज़ है। तो चार्ट ने हमें क्या बताया कि 12,250 से लेके 12,290 ये जोन ऐसा जोन है जहाँ पे कि रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, बट मार्केट कहाँ है, ऑप्शन चेन कहाँ बता रही है, 12,200 पे। तो इसमें हमारा लॉजिक सिंपल सा इतना होना चाहिए कि कभी कभार क्या लोगों को होता है कि ऑप्शन में क्या होता है 12,200 टूट भी जाता है। जैसे पिछली सीरीज में भी सेम कंडीशन थी, पिछली सीरीज में भी सेम कंडीशन थी, बट पिछली सीरीज में क्या हुआ, 12,200 टूट गया तो लोग कहने लगे कि 12,200 के ऊपर, 250 के ऊपर एक्सपायरी आएगी। लेकिन उसकी भी कंडीशंस होती हैं, इस चीज को समझिए। कंडीशंस क्या होती है कि आपके हर दिन का हाई टूटना चाहिए, यानी हर दिन के ऊपर बायर अवेलेबल होना चाहिए, यानी मार्केट में वो बायर बायर होने चाहिए जो हर लेवल पे खरीदने को तैयार है। बट ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे ये हमारा ऊपर मार्केट गया, बट अगले दिन मार्केट ने क्या किया,
इसके नीचे ही ओपनिंग दी और वहीं से तुरंत गिर गया क्योंकि एक्सपायरी का दिन था। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो एक्सपायरी हुई वो 12,200 के नीचे आके हुई, क्योंकि 12,200 पे शुरू से ही कॉल राइटर बैठे हुए थे। एक्सपायरी 12,250 के आसपास जब हो सकती थी जब हम इस हाई को तोड़ते। हाई को तोड़ने का मतलब ये होता है कि जो कॉल राइटर्स थे वो कहीं ना कहीं कमज़ोर हुए अगेंस्ट द पुट राइटर, इसीलिए वो हाई टूटा है। इस चीज़ को आप समझ के रखिएगा। तो सेम चीज़ है कि चार्ट के हिसाब से आपका रेजिस्टेंस और ऑप्शन चेन के हिसाब से रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। तो आपको फॉलो क्या करना है, सबसे पहले आपको चार्ट और रेजिस्टेंस, ऑप्शन चेन के रेजिस्टेंस का डिफरेंस देखना है। अगर वो डिफरेंस कम है 10-15 पॉइंट का है तो आप ऑप्शन चेन का रेजिस्टेंस को यूज़ करके पोजीशन बना सकते हैं। अगर वो डिफरेंस मोर देन 50 पॉइंट 40 पॉइंट है तो आप अपनी पोजीशन एज पर द चार्ट के हिसाब से बनाइए। सिंपल सी चीज़ है। सेम चीज़ अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो सपोर्ट में अगर हम देखें तो सपोर्ट में हमारा क्या है, 12,000 का सपोर्ट है। बट एक्चुअल में जो सपोर्ट हमें दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि यहाँ पे एक पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट ऐसा आया है जहाँ पे कि ये जो प्राइस पॉइंट है पहला, फिर है आपका ये, यानी 11, ये जो 2 पॉइंट है जो कि 11,941 से लेके 11,856, ये ऐसे 2 पॉइंट है जहाँ पे हमारा सपोर्ट है एज पर द चार्ट। तो अगर हम 12,000 को तोड़ते हैं और नीचे जाते हैं तो हमारे लिए जो चार्ट का सपोर्ट होगा वो 11,941 का होगा, यानी ऑप्शन चेन में इतनी जगह है कि मार्केट 11,900 तक भी गिर सकता है, उसके बाद रिवर्सल दिखाएगा। क्योंकि ऑप्शन चेन के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से जो वैल्यू जीरो होगी वो एक्सपायरी के दिन होगी। तो एक आध दिन अगर मार्केट नीचे ट्रेड करके आ जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम उसको ब्रेक नहीं मानेंगे। ये चीज़ क्लियरली आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपने इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या चीज़ सीखा कि यहाँ पे कि ऑप्शन चेन और चार्ट दोनों के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, आपको दोनों के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देख के अपनी पोजीशन बनानी है। यानी अगर आपको अब रेजिस्टेंस के पास अगर आपको पोजीशन बनाने का मौका मिलता है, आप कॉल लेना चाहते हो तो वो कहाँ पे लोगे, वो लोगे आप 12,250 पे। समझ में आया, 12,250 पे आप कॉल लोगे क्योंकि 12,200 ऑप्शन पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, वहाँ पे आपको इजीली पोजीशन बनाने का मौका नहीं मिलेगा। तो आप वेट करोगे जो चार्ट का रेजिस्टेंस है वो आए तब जाके आप अपनी पोजीशन बना पाओ। तो आपके लिए जो रेजिस्टेंस है डेट इज 12,250 से लेके 12,290, इस जोन के अंदर आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा निफ्टी के अंदर, और वहाँ से गिरावट देखने को मिल सकती है। यानी आपको इस जोन के अंदर अपनी शॉर्ट पोजीशन बनानी चाहिए और उसको होल्ड करना चाहिए एक अच्छे प्रॉफिट के लिए। वहीं अगर आपको सपोर्ट मिलेगा तो सपोर्ट कहाँ मिलेगा, तो देखिए सपोर्ट के लिए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है 12,000 आपका 11,940। यानी अगर आप 12,000 एग्जैक्टली 12,000 पे खरीद के ट्रैप भी हो सकते हो अगर आप ऑप्शन चेन के हिसाब से 12,000 को सपोर्ट समझ रहे हो। तो इस चीज़ को आप दिमाग में ज़रूर रखिएगा और ये वीडियो आपको आगे आने वाले दिनों में काफ़ी हेल्प कर सकता है टू फाइंड अ परफेक्ट लेवल्स। अगर आप लेवल्स यहाँ पे समझ सकते हैं तो इस तरीके से आपको लेवल फाइंडिंग में बहुत आसानी मिलेगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आगे आने वाले दिनों में। तो फिलहाल दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो दो टॉपिक थे, चार्ट और ऑप्शन चेन को कैसे यूज़ करते हैं हम टू फाइंड अ परफेक्ट लेवल, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आगे आने वाले दिनों में मैं और भी एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश करूँगा, कि जल्दी से जल्दी आपको ये चीज़ समझ में आ जाए, ताकि आप जो मार्केट में मैं जो भी काम करते हैं उसमें आपको थोड़ा सा और एडवांटेज मिले टू फाइंड अ परफेक्ट लेवल। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं जो दिल लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।